तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम चौहान और आप देख रहे हैं इसके कार वर्ल्ड। और आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी डिजायर, भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार जो कि है स्विफ्ट डिजायर। और इसका हमारे पास है आज VXI वेरिएंट। तो क्या अच्छा है इसके बारे में, क्या बुरा है, वो सब आज बातें करेंगे। और क्या आपको अच्छा लगता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चाबी की। चाबी की बात करें तो वही सुजुकी की जो टिपिकल की जो आती है वही इसके अंदर दिए गए हैं। दो सिंपल से इसके अंदर बटन दिए गए हैं, बाकी सब वही है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की। डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हेडलाइट को। हेडलाइट की बात यह है कि इसके अंदर आपको एक हेलोजन बल्ब दिया जाता है जो कि हाई बीम और लो बीम का यही काम करता है। इस तरफ आपको हेलोजन में ही इंडिकेटर दिया जाता है। यहाँ पर एक DRL के लिए छोटा सा बल्ब और दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसकी फॉग लैंप की जगह यहाँ पर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको फॉग लैंप नहीं मिलता क्योंकि ये VXI वेरिएंट है। इसके अंदर आपको नीचे क्रोम की एक अच्छी सी लाइनिंग दी गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत इस पर लगती है। यहाँ पर आपको इसका टोइंग हुक का जो जगह है वो ये दी जाती है। उसके बाद बात करें जो आपको ये ग्रिल आना है, ये बहुत ही बड़ी सी और खूबसूरत सी दी जाती है जिसके अंदर बीच के अंदर आपको यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ग्रिल के चारों तरफ बात करें तो ग्रिल के चारों तरफ आपको अच्छी तरीके से क्रोम की लाइनिंग दी जाती है। वही सब चीज़ें जो है आपको इस तरफ दी जाती हैं। अब बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस की बात ऐसी है कि आपको ये ऑन रोड पड़ेगी 870,000 रुपये की। इस वक्त मैं चूरू राजस्थान के अंदर, वहाँ पर आपको ये 870,000 रुपये की पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके बाकी डिज़ाइन लैंग्वेज की। डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो काफ़ी सिंपलिस्टिक रखा गया है, बल्कि मारुति की यही कार नहीं, मारुति की और भी जो जितनी भी न्यू कार जो आ रही है उनको काफ़ी सिंपलिस्टिक रखा जा रहा है जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। दूसरी बात ये लॉन्ग ट्रिप में आपको काफ़ी ऐसे बोर नहीं होगी, वो आपको पुरानी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं इसके टायर साइज की। ये VXI वेरिएंट, आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अलॉय व्हील नहीं मिलता, स्टील व्हील मिलता है। और टायर साइज की अगर हम बात करें तो टायर साइज आपको इसके अंदर मिलता है 14 इंच का। ये 14 इंच का टायर दिया जाता है इसके अंदर। अब सस्पेंशन ट्रेवल की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा सस्पेंशन ट्रेवल आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये कवर दिया जाता है, वेल्ड कवर, जिससे आपकी इंजन की प्रोटेक्शन हो जाती है और साथ ही आपकी जो कार की जो बॉडी है उसकी भी प्रोटेक्शन इसके अंदर हो जाती है। अब बात करते हैं इसके ORVM की। और भाई ORVM में इसके अंदर आपको इंडिकेटर दिया जाता है जो कि मिडिल वेरिएंट होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर मिलता नहीं, बहुत सी कारों का जो है यहाँ पर आपको फेंडर पर दिया जाता है। डोर हैंडल की बात करें तो डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में मिलते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि वरना और भी बहुत सी कार होती है जिनके अंदर ये जो है मेट फिनिश के अंदर दिया जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे के टायर की। टायर साइज तो वही है, सस्पेंशन ट्रेवल की बात कर लेते हैं, वो जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, आगे के टायर से भी बेहतरीन और अच्छा मिलता है अच्छी तरीके से। ये भी आपको वेल्ड कवर दिया जाता है, वही आपकी जो कार की जो बॉडी है उसकी जो है सेफ्टी यहाँ पर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की प्रोफाइल की। पीछे की प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसके चार पार्किंग सेंसर्स पर। जो पार्किंग सेंसर, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंपनी कंजूसी नहीं की है पार्किंग सेंसर देने में, क्योंकि आजकल और भी कंपनियां हैं जो कि सिर्फ दो ही पार्किंग सेंसर आपको दे रही है। यहाँ पर आपको मारुति का लोगो मिल जाता है और इस ये आपको क्रोम की बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक पट्टी मिल जाती है। यहाँ पर मिलेगा आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह। यहाँ पर एक जो लाइट दी जाती है नंबर प्लेट के लिए वो हैलोजन के अंदर ही दी जाती है। यहाँ पर आपको डिज़ायर का लोगो मिलता है। डिफोगर, वाइपर, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। वैसे तो वाइपर की सेडान्स वगैरह में कोई ज़रूरत होती भी नहीं है, पर डिफोगर जो है वो भी इसके अंदर नहीं दिया गया है। अब टेल लैंप की बात कर लेते हैं। टेल लैंप जो है इसके अंदर आपको LED के अंदर दिया गया है ये वाला। उसके अलावा जो ये इंडिकेटर है, साइड इंडिकेटर, ये आपको हेलोजन में मिलता है। उसके अलावा जो बैक लाइट जो है वो भी आपको हेलोजन के अंदर ही दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रियर सीट की। रियर सीट से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको एक एंटीना दिया जाता है जो कि नॉर्मल एंटीना ही आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की रो की, जो सेकंड रो है। सेकंड रो की बात करते हैं सबसे पहले। डोर ट्रिम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। डोर ट्रिम में आपको मिलता है सबसे पहले जो प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बेहतरीन लगी। मैंने और भी कार जो मैंने आपको दिखाई थी उनसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी और प्रीमियम लगी। पावर विंडो बटन यहाँ पर मिलता है और ये डोर लीवर यहाँ पर दिया गया है। वाटर होल्डर आपको इस तरह मिलता है, कुछ स्पेस आपको यहाँ पर भी मिलता है। एक स्पीकर ग्रिल यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा अगर सॉफ्ट टच की बात करें तो सॉफ्ट टच आपको किसी भी प्रकार के इस दरवाजे पर नहीं मिलता है। और अच्छी तरीके से वेल्ड जो इसकी क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी प्लास्टिक की, वो काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। अब बात कर लेते हैं पीछे की सीट की। पहले बात कर लेते हैं इसके थाई स्पोर्ट की। देखिए थाई स्पोर्ट की बात कर लेते हैं। जो थाई स्पोर्ट है
वो मारुति की कार का जो है हमेशा से बहुत अच्छा रहता है और मुझे काफ़ी पसंद आता है। और ये सीट जो है ये थोड़ी सी ऐसी उठी है जिसकी वजह से आपको थाई स्पॉट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको थाई स्पॉट थोड़ा सा बेहतर ही मिलेगा। स्पेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले, मैं जो ड्राइवर सीट है उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर स्पेस कैसा है। ड्राइवर सीट को कर लिया है मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट, अब देखते हैं इसके अंदर हमें स्पेस कितना मिलता है। ये इसकी कुछ एक्सेसरीज है जो यहाँ पर आपको मिलती है, इनको करते हैं साइड में। चलिए देखते हैं, दरवाजे को करते हैं बंद। अब देखिए स्पेस की बात करें तो मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट की है, स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। बेहतरीन आपको नी रूम मिलेगा, बेहतरीन आपको लेग रूम मिलेगा। हेडरूम की बात कर लेते हैं, हेडरूम जो है वो आपको डिसेंट मिलेगा, इतना कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन बैठने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर हाइट आपकी 6 फुट है या उससे ज़्यादा है तो आपको समस्या हो सकती है। हम्प की बात कर लेते हैं, हम्प जो है ये आपको मिलता है और काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। पीछे की तरफ आपको एसी भी दी गई है, जो एसी है वो मुझे, जो इसकी क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी डिसेंट लगी। और यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है। सीट के पीछे आपको पॉकेट इसके पीछे मिलती है, ड्राइवर सीट के पीछे आपको पॉकेट नहीं मिलती है। बात करें 3 जने के बैठने की तो बिल्कुल आराम से आप 3 जने यहाँ पर बैठ सकते हो, कोई सी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी तो वो इस हम्प की वजह से ज़रूर होगी। यहाँ पर आपको लाइट दी गई है जो कि अगेन हेलोजन के अंदर आती है। यहाँ पर इसका ग्रिप हैंडल दिया गया है जो कि बहुत ही सॉफ्ट क्लोज दिया गया है। ये इसके हेडरेस्ट हैं जो कि एडजस्टेबल दिए गए हैं इसके अंदर। और ये जो इसका आर्मरेस्ट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ खोलकर। जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर आपको 2 कप होल्डर भी दिए जाते हैं और इसकी क्वालिटी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। भाई सब चीज़ें आपको इस तरह मिलती है जो कि आपको इस वाले डोर में मिलती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आप देखिए, डैशबोर्ड जो है बहुत ही प्रीमियम है। आपको फीचर क्या मिलते हैं वो मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। अब बात कर लेते हैं फ्रंट डोर की, ड्राइवर डोर की। पहली बात, इसकी जो ओपनिंग है ड्राइवर डोर की वो काफ़ी वाइड है, बहुत ही वाइड है। बैठने और उतरने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं लगेगी। फिर बात कर लेते हैं हम डोर ट्रिम की। अब डोर ट्रिम के अंदर आपको आगे के दरवाजे में यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है जो कि फैब्रिक दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस आपको और दिया गया है। चारों पावर विंडो के बटन दिए गए हैं, चाइल्ड लॉक दिया गया है और ORBM के बटन यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर एक वाटर होल्डर मिलता है, यहाँ पर कुछ स्पेस और आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको एक म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल दी गई है। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर सीट की। सबसे पहले हम इसका थाई स्पोर्ट जो है वो देखते हैं। थाई स्पोर्ट जो है वही आपको मैंने कहा था ना कि मारुति की कार में आपको थाई स्पोर्ट की किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। थाई स्पोर्ट अच्छा है, उसके बाद सीट जो है थोड़ी सी ऐसी उठी हुई है जिसकी वजह से आपको थाई स्पोर्ट और ज़्यादा बेहतर और अच्छा मिलता है। ये इसके एडजस्टर हैं जिससे आप रिक्लाइन कर सकते हैं, सीट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं और यहाँ से आप सीट को आगे और पीछे भी कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं इसके अंदर बैठ कर। डोर को किया बंद। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके IRBM की जो कि आपको मैनुअल ही एडजस्ट दिया गया है। और ये आपको ग्रिप हैंडल जो है ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इस डोर पर भी आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी जो आपके बाकी 3 डोर में आपको मिलेंगी इस डोर को छोड़कर। अब बात कर लेते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की। देखो म्यूजिक सिस्टम जो आपको पूरी तरीके से टच तो मिलता है लेकिन आपको इसके अंदर पूरी तरीके से फुली HD डिस्प्ले नहीं दी गई है। लेकिन अच्छी बात है कि ये पूरी तरीके से टच सिस्टम आपको दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा वुडन फिनिश यहाँ पर आपको दी गई है। ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं तो ग्लव बॉक्स है जो डिसेंट है और कूल्ड है। ये एक ग्लव बॉक्स जो आपको कूल्ड में मिलता है। मटेरियल क्वालिटी की जो बात है वो मैं आपको कर लेता हूँ। मटेरियल क्वालिटी जो है इस कार की मुझे अच्छी लगी, पहली बात मुझे सबसे अच्छी लगी। और दूसरी बात, जो फिट एंड फिनिश जो लेवल है जो मारुति का, जो मैं हमेशा से कहता हूँ जो बहुत बेहतर आपको मिलेगा, इसीलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ अच्छी मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील की। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो आपको इस तरफ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको टेलीफोनिक के कंट्रोल दिए गए हैं, इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, इस तरफ आपको दिए गए हैं हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं।
गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर की लगानी पड़ेगी, और ये जो है हेडलाइट का एडजस्टर दिया गया है, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको एनालॉग में मिलता है, बीच में आपको इसकी MID भी मिलती है। और कार को करते हैं ऑन, और जैसे ही आप कार को ऑन करोगे ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाता है, सारी जो लाइटें आपको दिखने लगती हैं। बीच में जो MID मिलती है इसके अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि फ्यूल कितना है, टेम्परेचर कितना है, गाड़ी कितना चल चुकी है वगैरह वगैरह, सभी आपको फीचर इसके अंदर दिए जाते हैं। सनवाइजर की बात करें तो आपको इसके अंदर मिरर मिलता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं मिलती, लाइट आपको यहाँ पर बीच में मिलती है जो कि हेलोजन ही मिलती है। अब बात कर ले इस सनवाइजर की, जिसमें आपको टिकर होल्डर ही दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सेंटर कंसोल की। देखो इसके बारे में मैंने म्यूजिक सिस्टम के बारे में आपको पहले बता दिया था, टच इसकी बहुत ही अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। दूसरी बात, ये जो यहाँ पर AC वेंट आपको दिए गए, इसकी तरफ चारों तरफ आपको क्रोम की एक लाइनिंग दी गई जो कि सिल्वरिश टाइप का थोड़ा क्रोम आपको मिलता है। यहाँ पर आपको हैजार्ड लैंप का स्विच मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैनुअल AC दी गई है, और उसके नीचे आपको एक बॉक्स और USB टाइप का आपको यहाँ पर पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस और मिलता है, किसी प्रकार की कोई वायरलेस चार्जर वगैरह कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं। ये जो है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा स्पेस और है, जिसे और अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, ये इसका पार्किंग ब्रेक है। चलिए कार को करते हैं स्टार्ट। कितनी ज्यादा साइलेंट है, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई नॉइज नहीं है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की कोई वाइब्रेशन भी मुझे महसूस नहीं हो रही है। अब यह तो आप सभी जानते हैं कि मारुति की जो कार्स हैं उन वो जो है आपको रिफाइनमेंट के जो इंजन है वो रिफाइनमेंट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। दूसरी बात, माइलेज के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से वो जाने जाते हैं। मैंने आपको लगभग सभी चीजें बता दी। एक चीज है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, वो है इसका बूट स्पेस। वो हम अभी जाकर चेक कर लेते हैं। कार को करते हैं बंद। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस की बात की जाए तो आपको इसके अंदर अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा। बूट स्पेस जो है आपको 378 लीटर का, मोटा मोटा माने तो 380 लीटर का आपको बूट स्पेस है जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब वह बूट के अंदर की जो बात करें, सीट आप किसी भी प्रकार से फोल्ड नहीं कर सकते, 60-40 आपको नहीं मिलती। और जो बूट जो है अच्छी तरीके से आपको कवरिंग जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पर दी गई है। ये जो सेक्शन है इस पर आपको कवरिंग नहीं मिलती, जो कि थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दी जानी चाहिए थी। यहाँ पर इसकी एक लाइट मिलती है। बूट लिफ्ट जो है वो लगभग इतनी है, और बूट जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से वेल्ड कवर दिया गया है। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको इसके नीचे ही मिलता है, जिसकी जो साइज है वो आपको मिलती है R14, सेम साइज आपको इसके अंदर मिलता है। बूट को करते हैं बंद। तो बस इतना था आज की वीडियो के लिए। कार आपको कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मुझे कीजिए सपोर्ट। तब तक के लिए राम राम।